दीजिएगा आप करते हैं। इसमें हम लोग आपको बहुत छोटे छोटे टेस्ट रखते जाएंगे, अभी और भी टेस्ट आएंगे, जैसे में आपको देना था टेस्ट। सो अपने कॉलिंग से डरिएगा नहीं, ये भी उतने ही इंटेलिजेंट है जितने आप लोग हैं, उनको भी उतना ही नहीं आता जितना आप लोग नहीं आता। सो नेवर एवर थिंक ही दैट आपके कॉलिंग को आपसे ज्यादा आता है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। लेट्स स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यूज। आप बहुत गंदा अपनी साथ में आपको शराफत के साथ कॉलिंग रहिएगा, जितने गलत करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। प्रटेंड नहीं कीजिएगा कि आपको बहुत ज्यादा आता है, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स हैं क्लास में, अपनी परसेंटेज अपने अंदर रखिएगा, मुझे बाद में मैसेज में पता चलिएगा कितने परसेंटेज है। Which from the following is the direct responsibility of Chairman FBR? Are you sure about it? Are you sure about it? Who has picked option A? Who has picked option B? A double key. B is the key. D. Option is C. Also activation of function of hearing of appeals. उसकी वजह है आपकी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर चेयरमैन एफबीआर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर एक फील्ड ऑफिसर या एक रीजनल टैक्स ऑफिसर, वहाँ पे 12 फील्ड ऑफिसर, 12 फील्ड फॉर्मेशन हैं। 12 फील्ड फॉर्मेशन में एक आपका लतीफाबाद का एरिया कवर कर रहा है, एक आपका छट्टा का एरिया कवर कर रहा है, एक आपका बदीन का एरिया कवर कर रहा है, एक आपका किसी और एरिया को कवर कर रहा है, हो सकता है सागर हो, जामशोर हो, कुकड़ी हो, बदीन हो, वगैरह। अब अगर आप उन फील्ड ऑफिसर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा, या तो फिर वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या DCIR एज अ फील्ड ऑफिसर होगा। फील्ड ऑफिसर इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द कमिश्नर, दे आर रिपोर्टिंग टू द कमिश्नर एंड देयरफॉर दे आर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कमिश्नर, टू द कमिश्नर। इवन आपके ऑर्डिनेंस में भी बार बार कमिश्नर की बात की हुई है कि डायरेक्टली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्यूरिसडिक्शन, फॉर रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, देन द चीफ। तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी एफबीआर चेयरमैन की, जब आप ज्यूरिसडिक्शन का वर्ड अगर मैं हटा देती तो आप ऑप्शन डी कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे बताया गया कि एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के लिए डायरेक्ट अगर यहाँ पे हैदराबाद में रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती, हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि जो पर्सन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही पर्सन अकाउंटेबल भी होगा। क्या एफबीआर चेयरमैन को आप हैदराबाद के लतीफाबाद यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे? किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? उस एरिया के जुरिस्ट, उस एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर, हु इज रिपोर्टिंग टू द कमिश्नर, द कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल। इसी वजह से आपके पास किसी भी जगह पर अगर आप जाएंगे, फॉर इंस्टेंस इन दिस रेफरेंस फॉर अ मोमेंट, सो देयर इज अ बोर्ड, यहाँ पे मेंबर बोर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास लोग आ जाते हैं चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर है, यहाँ पे भी चीफ कमिश्नर है, आरटीओ में भी चीफ
एक सेक्टर भी हो सकता है, जोन आपका एक पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो जोन आपका सेक्टर से क्या मुराद है, सेक्टर से मुराद है कि बिल्डर्स आपके पास एक जोन में आ गए, ठीक है। कॉट इंजीनियर्स एक जोन में पर्टिकुलर, आपने जोन ही कॉट इंजीनियर्स का बनाया, आपने जोन ही बिल्डर्स का बना लिया। हमारे पास रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद के अंदर तीन जोन है, जोन वन, जोन टू एंड विदहोल्डिंग जोन। जोन थ्री नहीं बोलेंगे, विदहोल्डिंग जोन बोलेंगे। जोन वन के अंदर आपके पास ऐसे एरिया है जिसके अंदर आपके पास कासमाबाद आ जाएगा, लतीफाबाद आ जाएगा, साइड एरिया के कुछ एरिया आ जाएंगे। जोन टू के अंदर आपके पास थोड़ा रूरल एरिया का भी इम्पैक्ट आएगा, उसके अंदर भी कंपनीज हैं लेकिन उनका जानवर डिफरेंट है, ठीक है। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर एज वेल, एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एज वेल। अब जिस तरह से विदहोल्डिंग जोन की अगर हम बात करें तो ये प्योरली फंक्शन की बात है, ये विदहोल्डिंग टैक्सेस यहाँ पे कराए जाते हैं, उसके अंदर सारे एरियाज कवर हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे फंक्शन बेसिस के ऊपर भी जोन बनता है, सेक्टर बेसिस के ऊपर भी जोन बनता है, एरिया वाइज भी जोन बनता है। अब वो जो सेक्टर्स हैं, जोन्स हैं, एरियाज हैं, व्हाटएवर दे आर, उन जोन्स के को हेड करने वाले कमिश्नर होते हैं, और कमिश्नर के अंदर एडीसी है, एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। और एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे जो एसीआई है, यानी कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर एरिया रेवेन्यू, जो आपके ACIR है, DCIR है, ये रिपोर्ट ADC को नहीं करते। They don't report AD to the ADC, they will report to the commissioner. To the commissioner, yes, ADC उनको पूछ सकता है, उनकी इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ है, क्योंकि वो उनसे पूछेगा रेवेन्यू टारगेट का क्या सिस्टम चल रहा है। अगर इनको कोई रिपोर्ट इशू करना है तो फर्स्ट कमीशन ये एक लिमिट तक ये परमिट करेंगे, उसके बाद एडीसी को भेजेंगे, एडीसी के बाद कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के बाद चीफ के पास जाएंगे। लेकिन दीज DCIR ACIR आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द कमिश्नर, एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कमिश्नर इज नॉट वेल, दिस मींस द चीफ इज गोइंग टू टेल दिस थिंग टू द बोर्ड दैट दिस इज हैपनिंग इन आवर जोन। अब एक आरटीओ के अंदर कितने कमिश्नर हो सकते हैं, जितने जोन होंगे उतने कमिश्नर होंगे। अगर तीन जोन है तीन कमिश्नर है, चार जोन है चार कमिश्नर होंगे। जैसे अगर आपका पर्सन एडीसी कमिश्नर के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो उसको उसकी पोस्टिंग हटा के उसको उस जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे कमिश्नर नहीं है और कोई जोन हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो दिस अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड, ताकि आप ये डिस्टेंस नहीं कर सके इन द पेपर। याद तो बात क्या भी क्लियर नहीं उसे अभी पूछा, ठीक है। चीफ कमिश्नर हर आरटीओ एनटीओ के ऊपर होंगे, और चीफ कमिश्नर के बाद आपके पास कमिश्नर होंगे, हर जोन का हेड कमिश्नर होगा। कमिश्नर के अंडर एडिशनल कमिश्नर भी हैं, एंड डीसीआईआर और एसीआईआर भी हैं। ACIR, DCIR, Assistant Commissioner Inland Revenue Grade 17, Deputy Commissioner Inland Revenue Grade 18, job दोनों की same है, they will be taking care of the field office, unit, field formation, yes. अगर recycle करके मैं, when I say unit 1, unit 2, unit 3, I am not referring to Latifabad unit 1, unit 2, unit 3, I am referring to the field formation. ठीक है, जिस तरह से विदोली जोन में 12 यूनिट्स हैं, आपके आपके रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद के जो मेन ऑफिस है उधर भी आपके सारे फील्ड फॉर्मेशन उसी तरह से है, पर फील्ड फॉर्मेशन के जो ज्यूरिसडिक्शन है, किसी के पास कंपनीज है, किसी के पास एओपी है, किसी के पास कोल माइंस है, किसी के पास सैलरीज है, किसी कोई नवाबशाह है, नवाबशाह यूनिट 5 कहते हैं हम लोग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बाइफर्केशन ऑफ यूनिट्स है, कहीं कहीं पे कंपनीज के फॉर्म में यूनिट फील्ड फॉर्मेशन और यह फील्ड फॉर्मेशन की भी टाइप। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जोन भी बाइफर्केट होता है बेस्ड ऑन द सेक्टर, बेस्ड ऑन द एरिया, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द फंक्शन। उसी तरह से फील्ड फॉर्मेशन ऑफ यूनिट, अगर मैं फील्ड फॉर्मेशन बोलूँ तो आप यूनिट समझे, यूनिट बोलूँ तो आप ये समझे कि मैं किसी एरिया की बात कर रही हूँ, किसी सेक्टर की बात कर रही हूँ या किसी फंक्शन की बात कर रही हूँ। तो यूनिट वन जो रीजनल टैक्स ऑफिस में असेस होता है उसके अंदर सारी कंपनीज आ जाती हैं, ऑल कंपनीज विच आर इन हैदराबाद आर फॉलिंग अंडर दैट डोमेन, ठीक है। तो यू हैव टू, अब नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सम ऑफ देम आर इन यूनिट 7 एज़ वेल।
डिपेंड करता है कि चीफ कमिश्नर ने उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को डाला हुआ है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर से जिस तरह से वो यूनिट 7 में असेस हो रहे हैं इन आरटीयू, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एज वेल, किस सेक्टर को कहां अलॉट किया जा रहा है, यहां पे क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से आपका जो आंसर 1 का जो आंसर है वाज दैट जुडिशियल फंक्शन। अब डायरेक्टली इसके बोल रही हूं
Board may select persons or classes of persons for audit of tax affairs through. ये बहुत आसान है. Board may select persons or classes of persons for audit of tax affairs through. Appellate tribunal means appellate tribunal in Indian Revenue established under section. आपकी कंप्यूटर बैलेटिंग इस तरह से होगी कि देर आर सर्टन सेट क्राइटेरियाज जो कि हम फिक्स करते हैं इन साइड द एक हम लोग कहते हैं प्री कंडीशन रखते हैं कि वो प्री कंडीशन अगर ये लोग अगर ये प्री कंडीशन कोई कर रहा है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, रैंडमली कोई किसी को पिक नहीं करेगा, वो फिर उसके ऊपर वो एक प्री कंडीशन रखते हैं. मिसाल के तौर पर जिसका रेवेन्यू इतना हो, जिसने इतने रुपीज का रिफंड मांगा हुआ हो, आपने इसके अंदर यस या इसके अंदर ये इतने क्वांटम की सेल्स हो आपकी, इतने क्वांटम की परचेजेस हो, या मुख्तलिफ सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को पिकअप करके उन्होंने बोला हुआ हो कि इस सेक्शन में अगर ये अमाउंट आता है तो आप सेलेक्ट करेंगे, देन इट स्टार्ट सेलेक्टिंग. अब उसके बाद नाइन है Appellate tribunal means the appellate tribunal in the revenue established under section 130 of the income tax ordinance. ठीक है, फिर लेकिन पता नहीं, I didn't feel like giving an option. All of these भी कर ले आप. ठीक है, CREST ये आप लोगों ने कहीं किए हुए हैं. ठीक है, all right, CREST is an abbreviation of ऑप्शन बी. ठीक, कल आपको सर ताहिर ने टेस्ट काइबोर का करवाया था. नहीं, बेस्ट का नहीं, काइबोर का. आई थिंक मुझे बेस्ट का फील हुआ है. अच्छा, और सर पीछे बैठो. ठीक है, उसके बाद है काइबोर, ऑलरेडी आपको पता ही है तो आपको आना चाहिए. हाँ, ऑप्शन ए बी सी क्या है? Delegation of powers to the Office of Indian Revenue are conferred under section. Now that is of board 31. Option B. Everything that I've taken is in the on the website. मैं वेबसाइट से बाहर गई नहीं. आप वेबसाइट को हर जगह से मैं तभी तो आपको धोखा दिया है. In the exercise of administrative powers of secretary to the government and effective formation and implementation of fiscal policy 13. Yeah, you're reading 13, right? Policy measures, the status of the FBI's revenue division was restored under the Minister of Finance on option A, B, C, or D. What? But then? आपने कितनी किया? आप पेपर को अपन छोड़ दें, ये समझे कि ये आपका वो वाला पेपर है. आप अभी
But then, how many people will show up right now for telling 3-hour test in 3 hours? Only 2 people. यानी हम मरने से पहले भूत बन गए. आप not attempting the paper is total failure. At least you're going into the league. जिन दो लोगों ने हाथ ऊपर किए वही दो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन टिक नहीं किया था. No. Think this is your best. If you, the attitude you're keeping here will be the attitude on the day of examination. Yes, I have to tell you. Finance.
Resignation to the Prime Minister. Prime Minister. Okay. Option 24, option C. C. Actually, 25 Kelly is dietary. The recommendations of Administrative Reorganization Committee FPR were made as an attached department of the Ministry of Finance B 25 B. मैं नहीं करना चाहेंगे आप ये तो पिछले कर कर चुकी नहीं मैं कर सकती हूँ करनी मेरी मर्जी है The paper should be set in a way that it's some अगर हम normally किसी paper maker को या committee होती है उसमें there are things जितना percent easy questions देते हैं ताकि आप लोग कर भी सकें ऐसा नहीं कि हम आपको PhD करवाना चाहे FBR में आने से पहले इसलिए उसमें easy questions होते हैं difficulty level बढ़ा देते हैं then उसके बाद medium level question होते हैं आपको पूरा एक curve बताएंगे कितने questions कितने रखने कितने questions कौन से अभी right now आपकी practice है आप practice करें आप ऐसा ऐसा तैयार हो जाएंगे The post of chairman FBR was created within the status of A. 26A. Dash is the current member policy. Lugnai was a no, it's not D. It's not even C. अगर आप लोग इनकम टैक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं एफबीआर
स्ट्रक्चर का क्विज कर लेते हैं, रिफॉर्म्स का क्विज कर लेते हैं, मॉनिटरी इकोनॉमिक पॉलिसी का आई ऑल्सो सेंड यू अ क्विज, तो आपके ये छोटे छोटे एरियाज के ऊपर आपकी अपनी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो आपकी अपनी जो तैयारी हो जाएगी एंड उससे ये होगा कि आप मोर और लेस एटलीस्ट एग्जाम देने जैसे हो जाएंगे। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हर छोटा टॉपिक आपको कवर करवा के उसी वक्त आपसे एमसीक्यूज लूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक छोटी क्विज है दैट इज पर्टेनिंग टू द इनकम टैक्स अपील्स एंड रिफॉर्म्स, मैं आपको एक कल जो इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगी दैट इज पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट, गो होम जस्ट सॉल्व दैट, सिट बैक होम एंड सॉल्व दैट। नेक्स्ट वीक आपको क्लास के अंदर क्विज होगा, वो दोनों टॉपिक से होगा रिफॉर्म्स एंड अपील्स के साथ, एंड ऑन द सेम डे आई विल गिव यू सेपरेट टेस्ट टू सिट बैक होम एंड कंप्लीट योर फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एमसीक्यू पर्टेनिंग टू दैट। ठीक है, तो याद रखिए इकोनॉमिक सर्विस एमसीक्यू अलग है, फिस्कल मॉनेटरी से एमसीक्यू अलग होगी। अब ये सारी तैयारी करने के बाद आप एटलीस्ट थोड़ा 50% तो रेडी हो जाएंगे पेपर में कुछ 4-5 एमसीक्यू सही करने के, उसके बाद स्क्रॉलिंग ग्रैबलिंग कीप वर्किंग कीप लुकिंग एट द वेबसाइट कीप नेविगेटिंग द वेबसाइट एंड देन यू विल सी कि आपकी रिलेटिवली चीजें इंप्रूव होंगी। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय सेल्फ एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास पॉसिबल। सेक्शन 21 क्यू में हम कल डिस्कस कर रहे थे, इसमें ये एक बार लगाया जैसे बड़ी कंपनियां होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर अगर वो अनरजिस्टर्ड सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड हैं, उनको कोई सप्लाई कर रहे हैं और पर पर्सन जो है उसकी सप्लाई 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उसको एक पेनल्टी एक छोटी सी लगाई गई है कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आप इसमें क्लेम कर रहे हैं उसको एक फार्मूले के तहत डिसअलाउ किया जाएगा या 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के। ठीक है, एग्जांपल के ज़रिए से हम समझाते हैं। सेल्स ए लिमिटेड की सेल्स हैं 800 मिलियन और ये जो सेल्स करता है मिस्टर एक्स को करता है और मिस्टर वाई को करता है, मिस्टर एक्स को करता है 120 मिलियन की ड्यूरिंग द ईयर और मिस्टर वाई को करता है 70 मिलियन की। ठीक है, अच्छा, जिस पर्सन को 100 मिलियन से ऊपर की सेल होगी
वो डिसअलाउ हो जाएगी। डिसअलाउ किस फार्मूले के तहत होगी, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों अनरजिस्टर्ड है, ये सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन जो 21Q में कहता है कि भाई वो सेल्स उस पर्सन को जिसकी 100 मिलियन से ऊपर जाएगी सेल्स, उसके ऊपर ये लागू होगा। जिससे कम होगी 100 मिलियन से जिसको सेल कम होगी उसके ऊपर नहीं होगा ये। ठीक है, अब आप जो है टोटल एक्सपेंडिचर हैं ए लिमिटेड के, अच्छा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बताएगा कोई इसमें लिखा हुआ? ए टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितने, 650। बी क्या है, टोटल टर्नओवर कितना हुआ, और सी क्या हुआ, ठीक है वो 120 मिलियन जिसको 100 मिलियन से ऊपर जा रहा वो लगाएंगे हम। इसका लगाया कितना आया, अच्छा ये एक कंडीशन ये आ गई। और दूसरा लगाओ उसके, इसके 10% लगाओ टोटल एक्सपेंसेस के 10%। $65 मिलियन इन दोनों में अलाव होगा जो विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब आप सेक्शन पढ़े दोबारा, अब समझ में आ जाएगा। सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी बंदा किसी अनरजिस्टर को सेल करता है और वो सेल जो है 100 मिलियन से ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसको इस फार्मूले के तहत जो टोटल डिडक्शंस है वो इस फार्मूले के तहत डिसअलाउ हो जाएंगी, या 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये 65 मिलियन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप सेक्शन खोले तो पढ़े। ये दो दो पेजेस हैं,
सेक्शन 22 डेप्टी सेशन 22 से पहले हम 23 पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ग्रुप में एक शेयर की है, डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसको ज़रा देखिएगा, खोले सारे खुर्शीद लिमिटेड का, ये एक छोटी सी है बैलेंस शीट है और सारे हैं, नोट्स भी है सब हैं, या एक ही अटैच नहीं है इसमें, एक्सेल में भेज, खुल जाएंगे आप लोगों के पास, एक्सेल में भेजूँ आपको, एक्सेल में नहीं खुलेंगे मेरे ख्याल में ना, खुल जाएगा, खुल गया, ठीक। अब आप जो इसमें देखें, सिग्नल नहीं है, हाँ इनिशियल अलाउंस भी भेजा है मैंने, अभी मैंने ये इस फॉरवर्ड भेजा, एक्सेल में भेज दी मैंने, फाइनेंशियल 2021 आप इसके साथ देखिए, अच्छा इसमें एक जो नोट है, नोट नंबर फिक्स एसेट्स का कौन सा नोट है, बैलेंस शीट में देखिएगा, बैलेंस शीट में नोट नंबर फिक्स एसेट्स का कौन सा आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 4 आ रहा है ना, 4 पे जाइए, 4 जो है ना आप 4 चाहिए नोट्स
3A4 अच्छा ये एसिड्स का ऊपर दिया हुआ एसिड्स का आ रहा है, ठीक है देखिएगा टेप बने हुए हैं ये आ रहे हैं आपके, ठीक है ये नोट से ये एसिड्स का दिया हुआ ये नोट नंबर 4 है आ गया ऊपर टैब बने हुए ना एसिड्स का टैब बना हुआ आ गया, ठीक है इसमें इसमें देखें एसिड्स के नेम हैं और साथ जो है ना ओपनिंग बैलेंसेस हैं, फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक और साथ में ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है इसमें आपको वो नहीं मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर, ठीक है हाँ मैंने बनाई है सिलेंडर वाला है बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं एक तो लोकल बना के दे देते हैं ना तो आप नहीं नहीं सोल प्रोप्राइटर है लेकिन आप जब भी कोशिश करें तो ऐसे ही बनाएं, ठीक है तो ये स्टैंडर्ड उसका अप्लाई होता है कि आप तो एक सिंपली जो है ना एसेट्स के नाम लिखते हैं ये बहुत अच्छा मतलब ये कि बिग कंपनीज का जो फॉर्मेट होता है ना वही है, आप इसको किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये जो है ना ये कंपेरेटिव भी होता है, अब आप मेरे को यहीं से बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है साथ में लिखा हुआ कॉस्ट ओपनिंग, ठीक है 1 जुलाई 2020 को, ठीक है फिर साथ लिखा हुआ है एडिशन डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर आप जो खरीदते हैं वो आ जाता है इस कॉलम में, ठीक फिर जो है आपके पास ये एड होके तीसरा कॉलम आ जाता है उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट एज एट 30 जून 2021 ये आ गई। अच्छा अब आगे आप आ जाएं तो ये है डेप्रिसिएशन वाला, ठीक जिसमें रेट दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन चार्ज दी हुई है और आखिरी कॉलम रिटन डाउन वैल्यू, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है, ठीक है अभी तक की डेट में ये कॉस्ट मशीनरी इसके ऊपर हम चार्ज करते रहे हैं हर साल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल आप एक मशीन खरीदते हैं कॉस्ट जिसकी है 10 लाख रुपए, ठीक है और 10 लाख रुपए इसकी क्लोजिंग आ गई 30 जून को, ये अभी हम अकाउंटिंग की जो है ना ट्रीटमेंट देखेंगे फिर हम जो टैक्स की ट्रीटमेंट देखते हैं अकाउंट में कैसे करते हैं।
ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये ईयर था, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 10%, ठीक है, ये हो गया कितना, 1,00,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक। और रिटन डाउन ये लियो, इसमें से ये गया कितना बच गया, क्लोजिंग बैलेंस में से 9,00,000, ये बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, और एक और भी कहते हैं इसको कैरिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, हम जो है हर साल स्ट्रेट लाइन बेसिस पे भी कर सकते हैं कि हर साल इसके ऊपर एक अमाउंट लगता रहे 10% के हिसाब से, और 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाए, एंड ये एसेट्स आपके पास ख़त्म हो जाएगा 10 साल बाद, बुक्स में से निकल जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स में होता है, हमारे पास यहाँ पे अकाउंट में होता है या टैक्स में नहीं है। टैक्स में जो आप लगाते हैं ना, अगले साल आप लगाएंगे ना टैक्स में, तो आप लगाएंगे इस पर 10% रिटर्न डाउन वैल्यू। अकाउंट्स में दोनों पॉलिसीज हो सकती है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जो है ना 10% अप्लाई करें कॉस्ट पे, चाहे आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे करें, दोनों कर सकती है। लेकिन टैक्स में आपने रिटर्न डाउन वैल्यू पे करनी है। अगले साल आप, हम टैक्स की बात करते हैं अभी, अगले साल आपके पास 10% इसका आ जाएगा 90,000, और ये जो बुक है, ये जो वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू पे जो लगाते हैं, तो ये एसेट कभी आपकी बुक से ख़त्म ही नहीं होता, निकलता ही नहीं है, 30-35 साल चलता है ये। अब आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। टैक्स में आप लगाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमेशा, ठीक है। अब आप जो है ना अपना नोट्स खोलिए जो मैंने आपको दिए। डेप्रिसिएशन क्या है कि आपको जो नॉर्मल वियर एंड टियर अलाउ होता है साल में, आप उसको एक एक्सपेंस आपको अलाउ होता है, ये एक्सपेंस आप अपने अकाउंट्स में लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट टैक्स में क्या है, अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में अलग ट्रीटमेंट है, अगर दोनों की सेम है तो कोई आप कुछ नहीं करना, अगर दोनों की अलग है तो आपने एड बैक लेस करना है, लेस कर, मतलब ये है कि आपने जब अकाउंट्स में इसको चार्ज किया होगा फॉर एग्जाम्पल 10% के हिसाब से ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब ये 1,00,000 रुपये आप अपने अकाउंट्स में ऐड बैक करेंगे और इसको लेस करेंगे, जो टैक्स की टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको लेस करेंगे। मैंने जो आपको दिया है ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी जो ना आपके, ये शेड्यूल जिस तरह अकाउंट्स का भी बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको दिया अकाउंटिंग में, ऐसे ही ये टैक्स का शेड्यूल भी बनता है कि उसमें हमारे पास कैरिंग वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन से पहले सेक्शन 23 में आ जाए, सेक्शन 23। वो कह रहा है कि कोई भी एसेट्स जो आप जो है पुट टू यूज़ करते हैं, यूज़ में लाते हैं, ख़रीदते हैं, या उससे जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, विच एवर इज लेटर, ठीक है, या तो आपने ख़रीद लिया, हाँ मैंने उस पर शेयर किया ये ग्रुप में, हाँ ग्रुप में वो, हाँ ग्रुप में आया हुआ, ठीक है। अगर आप कोई एसेट्स ख़रीदते हैं, ठीक है, या उसको फर्स्ट टाइम अपने यूज़ में लेकर आते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों कामों से, उस एसेट के तहत इन दोनों काम करने से जो बाद वाला काम होगा, फॉर एग्जांपल आप ख़रीदते हैं लेकिन आपने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, आप यूज़ करते हैं अगले साल, तो अगले साल आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस या इनिशियल अलाउंस मिलेगा, फर्स्ट ईयर अलाउंस इनिशियल अलाउंस, या फॉर एग्जाम्पल आप ख़रीदते हैं उसी साल जो है आपका काम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको उस साल मिलेगा फर्स्ट
ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, इनिशियल अलाउंस उसको आप उस साल जो है डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलग मिलेगी, उस पहले साल आपको इनिशियल अलाउंस 25% ये भी मिल जाएगा। इसका कितना होगा? इसका 25% 2.5 लाख रुपये। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन के साथ, ये इसकी बात कहता है। फिर ये इसमें कहता है इनिशियल अलाउंस में, इस सेक्शन में, कि कौन कौन से एसेट्स जो है इसके लिए एलिजिबल है। एक छोटा सा सेक्शन है, अब आप खोलें इसको, देखें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ। हाँ, तकरीबन ये आप देखें, अ पर्सन हु प्लेसेस इन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स नीचे दिया हुआ है सबसेक्शन 5 में, उसको पढ़ें आप। अदर देन नेगेटिव लिस्ट दी हुई है, अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स मींस अ डेप्रिशिएबल एसेट्स अदर देन नंबर सब क्लास ए लिखा हुआ, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस द व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, अनलेस के भाई वो आप उसके लिए कोई हायर का कोई जो काम, जैसे टैक्सी का काम हो, वो उनके लिए एप्लीकेबल है। आम गाड़ी अगर किसी कंपनी में है उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग्स, ठीक। तीसरा लिखा हुआ है एनी प्लांट और मशीनरी दैट हैज़ बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ठीक। सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी जो पाकिस्तान में यूज़ की गई हो, सेकेंड हैंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर बाहर से सेकेंड हैंड इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो वो एलिजिबल होगा, और पाकिस्तान में कोई नई मशीनरी आप लेते हैं वो एलिजिबल होगी। ठीक है, अब आप आ जाए ऊपर सबसेक्शन 1 में, अ पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स इनटू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर शैल बी अलाउड अ डिडक्शन हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज द इनिशियल अलाउंस कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड द एसेट इज यूज बाय द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम और द टैक्स ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस्ड विच एवर इज लेटर। जो काम बात इन दोनों कामों में आपने खरीद लिया हो या आपने उससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की हो, फॉर एग्जाम्पल खरीद नहीं, आपने उसको प्लेस किया हो, ठीक है, और या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की हो, जो काम इन में बाद में हुआ हो उस डेट उस साल में आपको फर्स्ट एड अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ऑफ कितना 25% ऑफ कॉस्ट के। इसमें वो 25% नहीं लिखा हुआ शायद, इनिशियल अलाउंस में इसमें लिखा हुआ ना वो के रेड पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल में 25% है, ये याद कीजिएगा, ये 25% याद कीजिएगा बस। हाँ, इसमें जो ना एमसीक्यूज क्या बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है कि भाई ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड या पुट टू इन सर्विस, ये लिखा हुआ द एसेट इज यूज बाय द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 25% याद कीजिएगा कॉस्ट के, ये मिल जाएगा उसी साल। अच्छा, फिर सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है द रूल इन सब सेक्शन 76 शैल अप्लाई इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। 76 सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल है। अब आपके लिए होमवर्क है, वो आप पढ़िएगा घर पे।
कॉस्ट जो है आप उसके लिए आगे आएगा, ये आएगा उसके लिए कार के लिए 25 मिलियन है, 25 मिलियन नहीं 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपये मूवेबल। हाँ ये चेंज होता रहता है, मूवेबल इमूवेबल के लिए ट्रीटमेंट डाला गया दोनों की, ठीक है। 25 लाख रुपये जेब में रखिएगा अपने जेब में। अ डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन टू अ लीजिंग कंपनी और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और अ मुदारबा और अ शेड्यूल्ड बैंक और अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स ओन्ड बाय द लीजिंग कंपनी और द इन्वेस्टमेंट बैंक और द मुदारबा और द शेड्यूल बैंक। यार लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग में क्या होता है, क्या कंसेप्ट पता है आपको? लीज पे देते, ओनरशिप किसकी होती है? अच्छा अकाउंट्स में क्या करते हैं हम? राइट टू यूज नहीं, एसेट्स में हमारे पास आता है ना, अकाउंट्स में हमारे पास वो एसेट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जब हमारे पास रिकॉर्ड हो गया एसेट, ठीक है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, ठीक है, हम करते हैं। लेकिन टैक्स की लॉ के तहत वो हमारा एसेट नहीं है, वो नहीं मानता, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है उस एसेट्स पे जो आप लीजिंग पे लेते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको रेंटल अलाउड है जो आप पेमेंट करते हैं उनको, याद रखिएगा, ठीक है। टैक्स में सिर्फ रेंटल अलाउड है, डेप्रिसिएशन लीजिंग वाले पे नहीं है। तो फिर भाई लीजिंग किसको, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किसको अलाउ होगा बताएं? ओनर को, ओनर को नहीं, बैंक है, और उसको इनिशियल अलाउंस भी उसको ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। जो लेसर होता है बैंक है, लेसी जो लेने वाला जिसको दिया जाता है लेसी, ठीक है। टैक्स के कानून के तहत वो एसेट आपका नहीं है, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, उसको सिर्फ आपको इनिशियल अलाउंस नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या अलाउड है, रेंटल्स जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए, ठीक है, ये अलाउड है। तो इनिशियल अलाउंस सब सेक्शन ये कौन सा 4 था, तो इनिशियल अलाउंस किसको अलाउ होगा और डेप्रिसिएशन बैंक को होगा जो लेसर, ठीक है, ये लिखा हुआ। अच्छा इसमें 23B में आ जाए, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। ये एनर्जी डेवलप, एनर्जी प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट एनर्जी जो बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एनी प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल फॉर जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय कंपनी शैल बी अलाउड फर्स्ट ईयर अलाउंस इन लीव ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 एट द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2। ये है 90%। अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अल्टरनेट, उनके पास सोर्स ऑफ जनरेशन, एनर्जी जनरेशन करती है अपने पास, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्लांट मशीनरी लगाती है, तो उसको 90% ऑफ कॉस्ट जो है ना फर्स्ट ईयर अलाउंस की बजाय, फर्स्ट ईयर अलाउंस की बजाय, इनिशियल अलाउंस की बजाय उनको मिलेगा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन 90%। वो है 90%। इसमें आप शेड्यूल में जाके देखेंगे, शेड्यूल में इसका रेट दिया हुआ है एट द रेट इन पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल, उसका रेट है 90%, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने पास। हाँ अल्टरनेट एनर्जी बाई एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी पाकिस्तान में लगाएं, और एंड ओन एंड मैनेज बाय अ कंपनी शैल बी अलाउड फर्स्ट ईयर अलाउंस इन लीव ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 एट द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल, ठीक है। इसमें 23 था, इन्होंने ये चेंज नहीं किया, 23A था वो ओमिट हो चुका है 2021 में, वो था फर्स्ट ईयर अलाउंस, वो था कि उसमें आप किसी रिमोट एरियाज में या अंडर डेवलप एरियाज में कई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाते हैं, तो उनको भी एसेट्स जो आप खरीदते हैं मशीनरी वगैरह, हाँ, तो अब जो है ना वो ओमिट हो चुका है, आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये सिर्फ 23B रहा है, वो ये है इंडस्ट्री एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन
फॉर अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट 90% ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा बस 90, 90, 90, 90, बस ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। अब आपने ये कर याद रखना है 90% बस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन पे आ जाए, आप हैंड आउट जो दिया है मैंने, सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन, ठीक है। सब सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ द पर्सन्स ऑफ अ पर्सन्स डेप्रिशिएबल एसेट्स यूज्ड इन द पर्सन्स बिजनेस इन द टैक्स ईयर, ठीक है। आम सी बात है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा। सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 को मद्देनजर रखते हुए कि उसको देखिएगा, इस तरह अगर कोई हो ना सब्जेक्ट टू कि भाई उसको देखेगा उसमें क्या कंडीशन है, वो अलाउ अप्लाई होगी यहाँ पे। तो सब सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, पहले सब सेक्शन 3 में आ जाए। वी आर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज इन अ टैक्स ईयर पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इफ द एसेट्स वॉज होली यूज टू ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप कोई एसेट्स खरीदते हैं वो पार्टली बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल होता है, पार्टली पर्सनल यूज के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है 20% पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, 80% बिजनेस यूज के लिए, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे उसको भी दो हिस्सों में तोड़ेंगे, आपको अलाउबल जो एक्सपेंस होगा वो 80% ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक, इसमें ये लिखा हुआ है। अब आ जाए दोबारा सब सेक्शन 2 में, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ थर्ड शेड्यूल अगेंस्ट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रिटन डाउन वैल्यू भाई याद रख लेना, फुल ईयर पॉलिसी है, फुल ईयर पॉलिसी, फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर आप कोई असेट्स खरीदते हैं, ठीक है, तो जिस साल में खरीदते हैं उस साल की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने असेट खरीदा, ये एसेट जो है टेंजिबल एसेट है, डेप्रिसिएशन जो मिलती है वो टेंजिबल एसेट पे मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एसेट आपने खरीदा ऑन मई 31, 2021 को फॉर ₹10 लाख में, और ये है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इस साल की जो डेप्रिसिएशन होगी कितना हुआ, 10% इसके ऊपर लगा, इसको आप जो है अगले साल बेच देते हैं 2000 डिस्पोज जी, नहीं, हाँ पूरे साल की लगेगी, मतलब ये है कि फुल ईयर पॉलिसी का मतलब ये है कि जिस साल खरीदा उस साल की पूरी डेप्रिसिएशन और जिस साल बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन, भले आपने पूरा साल यूज किया हो, हाँ, हालांकि एक महीने यूज़ किया है इसने, एक महीना यूज़ किया है, लेकिन पॉलिसी यही है
कानून भी ये कहता है कि भाई जिस साल आपने खरीदा उस साल पूरा पूरी डेप्रिसिएशन, जिस साल बेचा कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू आपको मैंने बता दी, रिटन डाउन वैल्यू क्या आती है कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये रिटन डाउन वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कि आप जो है ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, अच्छा एक असेट्स की कॉस्ट थी, दस लाख रुपए, ठीक है, ईयर वन में आपने 10% चार्ज कर दी, तो इसका ये हो गया कितना, एक लाख रुपए। नहीं नहीं, रिटर्न ऑफ वैल्यू फर्स्ट ईयर तो सेम होगा दोनों का, फर्स्ट ईयर दोनों का सेम होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आप रिटन डाउन वैल्यू क्या बचेगी, बस ये करके कर ले, बस ये करके फिर ऑफ कर देते हैं। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा, चलो कोई इशू नहीं है। चले ऐसा कर लेते, मैं इसको और आसान कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, चलो ठीक है ना, ये क्योंकि ये समझे बिजनेस का सबसे मुश्किल भी है और इसके ट्रीटमेंट भी आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। हम जब डॉट में थे, ट्रेनिंग हमारी हुई थी ना, तो उसने तकरीबन 3 क्लासें सिर्फ डेप्रिसिएशन भी निकाली थी, चार्टर अकाउंटेंट था, उन्होंने हमें पढ़ाया था वहीं पे डॉट। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था उसको समझने में, कि बहुत है टेक्निकल, बहुत है, बहुत टेक्निकल है इसको। चले ठीक है, मैं इसको और आसान कर लूँगा, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेते। यूजेज कहाँ हो रहा है भाई, ये पता है कि आपके, इसके ऊपर कहना नहीं चाहिए, आपके डिप्टी कमिश्नर एडीसी ये वो लोग भी अप्लाई नहीं करते यार इसको, इसको मतलब इन सेक्शंस को, इतना भाई ये इतना टेक्निकल है, इसमें आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा जब लोग उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने भी नहीं किया कभी, टैक्स वाले ना भाई, ऑडिट में भी डेप्रिसिएशन का आता है, सही कह रहे हैं, अकाउंट्स भी देते हैं कंपनीज का, लेकिन वो पता है कि इसको ओवरलुक कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
सारी चीज़ ठीक है। चले कोई इशू नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको जो है ना हम और आसानी से पढ़ लेते हैं। सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये था कि आप पढ़ें, ठीक है, एक दफ़ा आपको ये पढ़ लेंगे ना तो ये जहन में रहेगी बात। ट्वेंटी थ्री तो समझ में आ गया ना, इनिशियल अलाउंस, ठीक ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको दो तीन चीज़ें मैंने शेयर की तो आप शायद कुछ लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सारा इंशाल्लाह एक उसके ऊपर करेंगे, इसको मैं एक टेबलेटेड फॉर्म में लेकर आऊँगा, फिर समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है।